मॉर्निंग गाइस, फिर से स्वागत है आप लोगों को डेड टेबल में। मैं हूँ गुम्बा। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फिर से मेरा सेम ड्यूटी, सेम काम, सेम रूटीन। अभी ड्यूटी जा रहा हूँ मैं, जस्ट अभी निकला रूम से। ये देखो, ये कंपनी सेम से हमारा गुड्डे बिस्कुट जैसे बनाता है ना, सेम सेम वैसे ही ये टेस्ट भी सेम है। इसका नाम है टिफनी नुट्टी बाइट्स। नाम अच्छा है, नुट्टी बाइट्स, टिफनी नुट्टी बाइट्स। तो इसका नाम ये है टिफनी नुट्टी बाइट्स। खाने में सेम सेम जैसे हमारा इंडिया में मिलता है गुड्डे बिस्कुट, सेम सेम ऐसे ही है। इधर तो मैं गुड्डे बिस्कुट नहीं देखा किधर भी। मैं पहले पहले जब आया था इधर ठंडा भी था, मुझे तो नहीं मिला नुट्टी बिस्कुट, या सॉरी गुड्डे बिस्कुट। तो यही मिलता है, इसका टेस्ट सेम है। तो ये कभी कभार खाता है मैं, फिर चाय पी लिया। मैं भी पूरा दिन इसमें ही चलेगा टाइम मिलेगा तो, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज थोड़ा बहुत बिजी रहे। 2000 years later. अभी फिलहाल मैं ब्रेक में है, काम नहीं है अभी। तो मैं और ये आपका बाबा करण, जो मैं उस दिन बोल रहा था हसमुख भाई, ये देखो इसका काम नहीं है, पूरा दिन ऐसे बैठेगा गाड़ी में बैठ के, हाथ में मोबाइल, बस क्या करेगा, काम वही है ना। और कुछ काम नहीं है इसका, कुछ काम नहीं है ना, कुछ काम नहीं है, पूरा दिन ऐसा बैठेगा, बैठने का बस, खाता है, बैठता है, सोता है और आके बोलता है कमर दर्द कर रहा है। इसको फिल्म देख के, मोबाइल देख के, कैमरा देख के हंसते रहने का। हाँ, मेरा वीडियो देख के हंसते रहने का। क्यों, तुमको हंसी क्यों आ रहा है चाचा, बोलो मेरे को, बोलो क्या क्या हंसी क्यों आता है, बोलो। अभी हंसी आ जाता है, क्या करेगा, क्या 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 देख के, मेरा कौन सा चीज देख के तुमको हंसी आ रहा है वीडियो में, बोलता है कौन सा कैसे हंसता है, बोलो मेरे को, ऐसा पूछता है मुझे। उसको कमेंट देना है हंसी वाला, हार या डबला, मालूम नहीं क्यों। देखो अब ये सटिया गया है, उम्र हो गया ना तो सटिया गया है। सॉफिस का कॉफी जिंदाबाद, नींद आता है तो सॉफिस का कॉफी खाओ, कलर्स सॉरी खाओ नहीं, बंगाली में सब कुछ पानी को भी खाओ खाओ बोलते हैं, तो आदत, ये लोग नेपाल में भी बोलते हैं खाओ खाओ बोलते हैं, तो आदत हो गया, कॉफी को भी खाता है, रोजी खाओ आए। ये देखो, ये इसी बिल्डिंग में रहता है अभी, ये भी मेरे को हाथ दिखाया, अभी ऑन करो थोड़ा। हेलो नेम, व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद अबू हनीम। मोहम्मद अबू हनीम, सलामत। आई मेक दिस वीडियो इन यूट्यूब, आदर सभी आना रख के यूट्यूब। हां रख के यू आई बाय यूट्यूब। बाद नहीं इतना इजी, अरे इज दखल आई बाय इतना शू पॉइंट है, इतना फ्लूस बाद। तो हां, क्या बोल रहे थे हम लोग, तो हम लोग का आदत हो गया कि ऐसा पीने के लिए ऐसा बंद करता है। देखो ये ड्राइवर है, रुको, ये ड्राइवर है, कौन बोलेगा इसका, ये ड्राइवर है, देखो लाइट बंद करने के लिए नहीं आता है, ये बंद हो रहा है, देखो लाइट बंद नहीं हो रहा है बोलता है, ये बंद हो रहा है, इसमें दबाने का ना चाचा, ये दबाने का, ये ऐसा करेगा तो बंद। ये बोलता है कुवैत में ये आदमी 10 साल से है, आप सोचो 40 साल से भाई, सॉरी ये कंपनी में 11 साल से है, लेकिन कुवैत में 40 साल से है। तो इसको अभी तक कार का लाइट बंद करना नहीं आता है, मैं ऑन किया था, गजब बेइज्जती है। तो चाय को हम लोग खाते है बोलते है, और ओरिजिनली हिंदी में बोले तो इसको पीता है बोलते, बोलना चाहिए को पीता है। नेपाल ने, ने, ये चाचा क्या क्या बोल रहा है, तो इसको पीना चाहिए ना कि खाना चाहिए। तो हम लोग बंगाली में ऐसे ही बोलते है, हमेशा खाता है पानी, खाता है चाय, खाता है, लेकिन पीते है हम लोग, खाता तो नहीं है। तो जो भी ऐसा आदत पड़ गया, इसलिए मैं भी अभी बोल रहा था चाय खाते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हाय, ये एक भाई मिल गया मेरे को जो फिलिस्तीन से, और आप लोगों का भी मालूम ही है फिलिस्तीन का हालत कैसा है, तो बहुत ही खराब है उधर, वॉर चल रहा है फिलहाल। तो I want to say something. Palestine will be free and also
going to buy a Hellcat, Jordan Hellcat, very soon. Inshallah. Thank you. Welcome. What's your name? Amir. Amir. Yes. What's your name? Isa. Isa. You are also from Palestine? Yes, yes. From Palestine. This baby also from Palestine. Thank you. A few moments later. अभी जा रहे हैं एक दूसरा एक ब्रांच में हमारा चाइना गार्डन का, तो दूसरा ब्रांच में जा रहा है, थोड़ा काम है उधर, तो इसलिए दूसरा ब्रांच में जा रहा है अभी। तो चलो आप लोगों को दिखाता है इधर का रोड कितना अच्छा है, कितना चौड़ा है रोड, मतलब ये एक दो तीन चार पाँच लेन है। तो ये देखो आप लोग, पाँच लेन का एक रोड है, कोने से स्टार्ट होता है, एक दो तीन चार पाँच, सर ये तो चार है, अभी ये चार वाला आ गया, फिर से उधर से पांच लेन स्टार्ट हो जाएगा, ख़त्म हो रहा है, तो ये अभी चार है। तो ये देखो जैसा इधर का नॉर्मल हाईवे का स्पीड रहता है, देखो 120 लिखा हुआ है, फोकस कर पाया कि नहीं मालूम नहीं कैमरा, तो 120 का स्पीड नॉर्मल रहता है, और इससे जल्द मतलब इससे तेज जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास चालान आ जाता है। कैमरा इधर साइड में कैमरा दिखाएगा, जैसे वो देखो उधर दिख रहा होगा आपको कि कैमरा, इधर देखो लिखा है 120 कैमरा भी है सामने, तो जल्दी जाएगा तो बस ऑटोमेटिकली आपका चालान आ जाएगा आपका ऑनलाइन में, बाद में वो चालान भरना पड़ेगा। तो नॉर्मली मैं ये चीज़ देखा है, तो ये नॉर्मली जो बाहर कंट्री से आया हुआ लोग है, चाहे जैसे चाचा गाड़ी चला रहे हैं नेपाली है, तो ये लोग तो फॉलो करता है, ठीक है, चाहे वो इजिप्शियन हो, नॉर्मली जो ज़्यादा ड्राइवर रहते हैं इजिप्शियन, अदरवाइज नेपाली, अदरवाइज आपका इंडियन भी रहता है, बाद में आपका वो क्या बोलते हैं वो कंट्री का नाम भूल गया मैं, लेबलानी, पाकिस्तानी, ये लोग बहुत, मतलब ये बाहर कंट्री का मुद्दा बात है, बाहर कंट्री का लोग बराबर फॉलो करता है, यानी तेज ज़्यादा नहीं चलाएगा, ऐसा देख के चलता है। लेकिन जो स्पेशली कुवैती लोग हैं, मैं देखा है, जैसे आप देख सकते हो वो साइड से देखो गाड़ी जा रहा है तेज में जा रहा है ज़्यादा, वो सब कुवैती है। तो जो कुवैती लोग हैं ना, मतलब जो कुवैती लोग हैं वो लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को, वो मतलब उसका ऐसा नहीं कि इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहा है उसका फाइन नहीं आ रहा है, उसका फाइन आ रहा है, बराबर फाइन आ रहा है उसका भी, लेकिन वो लोग मतलब केयर नहीं करता है। उसके लिए अभी मान लो आपका 50 KD फाइन लग गया, कितना KD नॉर्मली लगता है चाचा ऐसा, मतलब तेज अगर गाड़ी चलाएगा तो चाचा तो ज्यादा है, कितना KD लगता है नॉर्मली, मतलब 40-50 था, 50 था, हाँ अभी क्या बढ़ गया, 50 ही है, जेल भी है ना तीन महीना, हाँ तो चाचा बोलना चाह रहा है अभी पैसा भर गया, नॉर्मली पहले आप अगर लोग 50 KD भी है, चलो 50 KD है, तो होता क्या है 50 KD है तो 50 KD का फाइन उसके लिए हमारा जैसे इंडिया में 50 रुपये, हम लोग क्या करते हैं पुलिस पकड़ता है तो 50 रुपये में तो जो भी है नहीं होता है, 100 रुपये मिनिमम, ये लो सर खलास बोल के जाता है उसका पास में, देखे वो 100 रुपये दे के छुपा लेता है, तो इधर पे मानो लोग का 50 KD मतलब 50 रुपये जैसे, इधर कोई घुस नहीं चलता ना, तो उसको कोई मुश्किल नहीं, उसको ऑनलाइन आता है ऑनलाइन वो पैसा भर देता है, वो लोग के पास बहुत पैसा है वो लोग के पास, तो 50 KD उसके लिए 50 रुपये का बराबर है पकड़ लो। और अभी तो आप हिसाब लगा सकते हो 50 KD मिनिमम मतलब 270, मतलब इधर का 1 KD इंडिया का 270 समथिंग है, तो हिसाब लगा सकते हो, तो 50 KD बोलो तो कितना KD कितना रुपए हो गए इंडिया का, तो समथिंग 10,000 समथिंग होता है मेरे हिसाब से जो भी है, तो ऐसा है, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो लोग ऐसा भर देता है। तो अभी हम लोग आ गए अलकुरिन में, देखो इधर कितना रश रहता है नॉर्मली, तो नॉर्मली अलकुरिन में हमेशा भीड़ लगा रहता है क्योंकि इधर पे मॉल वगैरह पूरा है, उधर आप लोग देख सकते हो इधर पे लाइन से मॉल है, लूलू है, अलग अलग शॉप है, ट्रैफिक वाली जगह जैसा बना था, आप देख सकते हो उधर लूलू दिख रहा होगा आपको, उस दूर में लूलू है, ये लूलू मॉल बहुत बड़ा है जो अलकुरिन में है ये वाला, लेकिन आपको आपको मालूम होगा लूलू का ओनर कौन है, इंडियन है, सब इंडियन ज़्यादा है, इंडियन का इधर बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, सिर्फ लूलू नहीं, अलग भी है, सब इधर ये लोग का ओनर सब इंडियन है,
जैसे लुलू का ओनर भी इंडियन है, आपको मालूम होगा मैं भी ग्रैंड सब अच्छा बड़ा बड़ा इंडियन का में अच्छा बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट चलाता है इधर, मोटा पैसा कमाता है, पैसा ही पैसा। हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, थोड़ा कमती पैसा के लिए इतना काम करना पड़ता है, ये लोग इधर बिजनेस कर रहे हैं अच्छे से। आ गए हम लोग अलकुरेन का ब्रांच में, पहले मैं जब नया आया था 8 महीना में अलकुरेन का जो ब्रांच, अलकुरेन बोले तो ये एरिया का नाम है कुरेन, तो आपको मालूम होगा अल लगाता है सब चीज़ में कोई भी गल्फ कंट्री में। तो अलकुरेन का ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच में मैं पहले काम कर चुका है, जब मैं पहले नया आया था यही ब्रांच में मैं काम करता था, 8 महीने या 8.5 महीना ऐसा कुछ मैं ये ब्रांच में काम किया था। बाद में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था उस सलमिया का ब्रांच में जिधर मैं अभी है, तो उसके बाद से मैं उधर ही काम कर रहा है, ऑलमोस्ट मे भी 1 ईयर हो गया उधर ही है मैं। तो ये ब्रांच में मेरा बहुत मेमोरी है, हालांकि ये ब्रांच अभी चेंज हो चुका है, मतलब इधर मैं पहले जो जिधर पे रेंट में हमारा रेस्टोरेंट था वो अभी चेंज करके दूसरा जगह में आ गया। तो मैं अलकुरेन ब्रांच का नया जो प्लेस में रेस्टोरेंट खुला है इधर मैं फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो मैं भी देखेगा कैसे है आज फर्स्ट टाइम ये जो नया लिया, क्योंकि उसके बाद से मुझे कुछ काम नहीं हुआ, मेरा कुछ काम नहीं हुआ कि मैं इधर आए, तो मैं नहीं आया, तो बहुत दिनों बाद आ जा रहा है, तो आज देखेगा मैं कैसा है। चलो अंदर जाके बात करता है, अंदर जाके देखता है कैसा है। अभी मैं आ चुका हूँ अलकुरेन ब्रांच में, ये देखो मेरा पुराना साथी है, पहले ये ब्रांच में काम कर रहा था, ये भी था उस टाइम पे, इसका नाम है प्रेम सिंह, नेपाल, हाँ नेपाली है ये, एक है बैठ है, इनका नाम है राकेश, ये भी कुक है, प्रेम भाई भी कुक है, ये हमारा चाचा ओके, ये मुदीर है ओके, सबसे पुराना ड्राइवर है कंपनी का, बचपन से जब से जन्म तब से इधर ही है ओके चाचा, ये 10 साल की उम्र में आते हैं तुम्हें इधर ही, 10 साल की उम्र में आया है बोलते हैं चाचा, अभी भी इधर ही है वो मामा दूध पी के इधर आ गया, ये इसका भी हालत सेम ही है, नेपाल में इसका घुसने नहीं देता है, इधर ही इधर आ गया ठीक है। और मैं आपको मिलाता हूँ जो मेरा सबसे खास आदमी है, जो मेरा पास में था जब मैं नया था, मैं जब नया इन कुवैत में आया उस टाइम से था, ये है मिस्टर हमाद, वेरी गुड यूट्यूबर, इंशाल्लाह इन द फ्यूचर यू विल बी गुड यूट्यूबर, आई नो यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बाकी तो ये है कि इतना स्टाफ इधर अभी तो काम कर रहा है, बिजी है क्योंकि तो ये अभी नया ब्रांच हो गया इधर, पुराना ब्रांच का हटा के अभी इधर नया ब्रांच लिया इधर, ये देखो इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये ब्रांच बहुत छोटा है, पहले का अलकुरेन ब्रांच बहुत बड़ा था, तो अभी ये बहुत छोटा हो गया अभी, जो भी है लेकिन अच्छा है, देखने में भी अच्छा है पहले से, तो अभी इधर का जो काम था वो कर लेते हैं, बाद में आप लोगों से मिलते हैं बात करते। मैं क्लोजिंग करना भूल गया था बेसिकली, अभी खाना भी कंप्लीट हो गया, मैं जस्ट अभी लैपटॉप खोल के बैठा एडिटिंग करने के लिए, तो मुझे याद आया अभी कि मैं क्लोजिंग नहीं किया है, तो आप लोग अभी देख सकते हो ये है द विंसी, तो जस्ट अभी एडिट करूँगा बस, बाद में सोना पड़ेगा। तो अभी कितना बज गया है, अभी टाइम हो रहा है 11:58 कुवैत का, तो इंडिया में ऑलमोस्ट यानी 12 या इंडिया में ऑलमोस्ट अभी 2:30, तो अभी जल्दी जल्दी एडिट करते हैं, एडिट करके जल्दी जल्दी सोते हैं, आप मुझे देख के समझ सकते हो ऑलरेडी मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है, तो जल्दी जल्दी फटाफट एडिट करके सो जाते हैं, फिर कल सुबह उठ के जब ड्यूटी जाएंगे तब जाके, मैं हमेशा ड्यूटी में जाके ही मेरा वीडियो अपलोड करता हूँ, इधर का तभी 10:30 होता है, तो चलिए आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड कमेंट भी कर देना, आपको कुछ बोलना है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, तो गुड नाइट,
बाय बाय।